कुछ भी ना कहो, इतना कह दिया है, कहे जा रहे हैं, मैं भी चुप ना होंगे, होस्ट है हम। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक राइजिंग स्टार ऐसा शो है जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा चैलेंज है, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी तरीके से, और भाई मेरा साथ दे रहे हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, सबको बहुत मजा आने वाला है, जो हिस्सा है इसका और जो देखने वाले हैं। आई थिंक ऑडियंसिस के लिए एक बहुत मतलब हम एज एन ऑडियंस हमेशा क्रेव करते हैं कुछ नया मिले, कुछ ऐसा एक्साइटिंग देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखा, वो सब राइजिंग स्टार में होने वाला है। एज यू नो आई विश इट वॉज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस वक्त मैं इतना तैयार नहीं था। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, प्रोडक्शन और चैनल्स भी इतने तैयार नहीं थे कि वो लाइव कर पाते। कर रहा हूं ना एज अ कंटेस्टेंट, एज अ डांसर। एक्चुअली हमारा नहीं, क्योंकि वो हो गया है, अब क्या बोलना जो हो ये चीज, बट आई डोंट नो, कुछ पुरानी यादें होती ना उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, इट्स ब्यूटीफुल लाइक दैट यार। लेकिन डायलॉग तो मैंने वैसे ही बोला जैसे मैं खुद बोलता हूँ, एज अ चैंग, एज अ चैंग। ओके क्या था यार, मैं खुद बोल गया, जाके मूवी का डायलॉग है कुछ चोर वाला है। नहीं नहीं, वो जूते वाले, इसमें आप दो अलग अलग जूते बना लेते हो, एक बार बोलते हैं ना। हाँ हाँ, क्या था आगे? भूल गए डायलॉग यार, एक्चुअली डायलॉग मैं भी भूल गया, सॉरी। वो दूसरा वाला ब्योमकेश वाला था, लॉन्ग वाला था यार, डायलॉग कैसे याद रहेंगे अभी, वो पहले वाले डायलॉग थोड़े ना जो बिल्कुल आइकॉनिक डायलॉग्स होते थे। आज की मूवीज में वैसे आइकॉनिक डायलॉग्स है ही नहीं। अपने भी नाम की बियर की बॉटल हो, जो थाईलैंड में मिलेगी तो वहाँ से ले आना मेरे लिए। क्या बोला तुमने? अपने भी नाम की बियर की बॉटल हो, अपने भी नाम की बियर की बॉटल हो। सही है। क्या बोला था तूने? क्या करना है? डांस करना है। क्या करना है? डांस करना है। कर लो, डांस कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो। अरे रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, ये डायलॉग एबीसी टू का। आगे वाली फिल्म में थोड़ा डिफिकल्ट डायलॉग है कि वो प्रोनंसिएशन अलग है उसकी, वेस्टर्न यूपी की है, तो वो अभी मैं नहीं करना चाहूंगा। थोड़ा तो हो जाएगा, वो बहुत प्रैक्टिस है, वो जो गाने का जो लगावेलू जब लिपस्टिक, गो एंड स्टे टू द इन दैट प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस यूपी में मुजफ्फरनगर में मैं रहा हूं उन बंदों के साथ, तो जाके सीखा है मैंने वैसे। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं अभी, ये सब लाइव आ जाती है, लेकिन एज एन एक्टर व्हाटएवर यू डू ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू लिव देयर, यू हैव टू प्रिपेयर, अभी ये सब आता है, स्पेशली रीजनल डायलेक्ट पकड़ना। इसकी बात सुनो अच्छा। नहीं यार, प्लीज राइजिंग स्टार देखो, फ्राइडे एंड सॉरी सैटरडे एंड संडे 4 February से, एंड हम रात को 9 बजे हम लोग लाइव होने वाले हैं, 9 बजे ऑनवर्ड्स, बहुत मजा आने वाला है। स्वाइप करो यस यस यस, दीवार को उठाओ, म्यूजिक एंजॉय करो, एंड जस्ट